स्वागत है आप सभी का सच की आवाज न्यूज में। मैं हूं मंत्रशा असरार और आप देख रहे हैं आज की हेडलाइंस। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भिवंडी के प्रभाग समिति 3 वार्ड नंबर 21 की जनता में है आक्रोश। 20 साल से वहां के रहवासी गटर की समस्या से परेशान है। शिकायत करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भिवंडी के धामनकर नाका ब्रिज पर लगा रहा लंबा ट्रैफिक जाम, करीब एक घंटे तक फंसे रहे वाहन चालक। भिवंडी के आजमी नगर में 25 साल पुरानी ग्राउंड प्लस वन के मकान का मलबा गिरने से मची अफरा तफरी, कोई जीवित हानि नहीं हुई। डेंगू का बढ़ता प्रकोप, कई राज्यों में बढ़े केसेस, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित। राजस्थान में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर युवती ने की आत्महत्या, परिजनों ने दर्ज कराई FIR। नोएडा में मॉर्निंग वॉक के समय अपहरण का मामला निकला फर्जी, प्रेमी संग बरामद हुई छात्रा। रामपुर में एक बंदर ने वकील के हाथ से छीने 1 लाख रुपए, फिर पेड़ पर चढ़कर उड़ाए सारे नोट, भीड़ ने पैसे जमा करके वकील को लौटाए। महाराष्ट्र में 24 घंटों में आए 3,586 नए कोरोना मामले, 67 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। केरल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, 24 घंटे में 23,260 नए मामले केरल में दर्ज हुए, 131 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। देश में आज भी बड़े कोरोना मामले, 24 घंटे में 35,662 नए मामले दर्ज हुए। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में लगातार आ रहे हैं उतार चढ़ाव, 24 घंटे में 281 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। तो आज की हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।